चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए आज मैंने कितना सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और ये डोरमेट हमारा वेस्ट पड़ी ऊन से बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की वेस्ट पड़ी हुई बुलन से डोरमेट बनाएंगे, जिसे डोरमेट को बनाना बहुत आसान है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉम्पम बनाएंगे बुलन से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। तो यहाँ पर हम कोई भी कलर की बुलन ले लेंगे। आप इसे थ्री फिंगर्स पर भी इस तरह से रैप करके भी आप ये पॉम्पम बना सकती हैं, जिसमें आपके एक बार में एक ही पॉम्पम बनेगा। अगर आप इस तरह से कार्डबोर्ड पर इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड ले लें, उस पर आप 30 से 20 बार आप इस पर ऊन को रैप कर लें। उसके बाद आप इसे 5 से 6 आराम से बना सकते हैं पॉम्पम। तो देखिए इसकी जो थिकनेस है वो हमें इतनी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने बुलन को रैप कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अब हम कोई धागा ले लेंगे, आप चाहे तो बुलन को भी ले सकते हैं, आप चाहे तो धागे से भी इसे बांध सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बांध लिया है। अब हम बुलन को कट कर लेंगे। ऐसे हम इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांध लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने बांध लिया है। तो अब हम इसमें से पॉम्पम कट कर लेंगे। तो जहाँ से हमने बांधा है उसके सेंटर में से हम इस तरीके से इनको काट लेंगे। तो इस तरीके से फैलाकर और जो भी इसमें से एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं हम उनको भी काट लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पॉम्पम बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के पॉम्पम बनाकर तैयार कर लेंगे और जितने भी हमें इसमें कलर के लगाने हैं डोरमेट में, उतने हम यहाँ पर ये पॉम्पम बना बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पॉम्पम बना लिए हैं। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल पीस लिया है, यानी कि गोल। तो आज मैं इसे अवल गोल शेप में बनाऊंगी, आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किनारियों से इस तरीके से रखते हुए इन पॉम्पम को लगाएंगे। तो पहले हम इनको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम राउंड में रखते हुए इनको हम सुई धागे से सिल लेंगे। तो इस तरीके से एक एक पॉम्पम रखते जाएंगे और सुई और धागा लेंगे, उससे हम इन पॉम्पम को सिलते जाएंगे। आप चाहे तो इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं, उससे भी ये आसानी से चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से राउंड में हम इनको सिलकर तैयार कर लेंगे। तो
ये देखिए, इस एक रो को मैंने पूरा सिल लिया है। तो इसी तरीके से हम और भी रो लगाकर इसमें सिलका तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन वाले लगाऊंगी, पॉम पॉम जो मैंने ग्रीन वाले बनाए हुए हैं उनको, तो इनको भी मैं इस तरीके से रख कर सिल लूंगी। तो ऐसे ही रख कर हम सारे पॉम पॉम को सिल लेंगे। तो ये देखिए, ग्रीन के बाद मैंने वाइट को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने पहले पिंक, लाइट पिंक कलर लिया था, उसे हम लगाएंगे और इनको भी हम इसी तरीके से सिलकर पूरा इस डोरमेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इनको हम सिल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसमें पिंक लगाएंगे। तो ये देखिए, ये डोरमेट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है, और ये हमारा वेस्ट पड़ी हुई ऊन से बनकर तैयार हो गया है। जो हमारे छोटे छोटे ऊन के गोले बच्चे आते हैं, उनका उस ऊन का यूज करके आज मैंने इस डोरमेट को बनाया है। इस डोरमेट को बनाना कितना आसान है आप देख सकते हैं, और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गुलगुला सा बना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।